जय गुरुदेव स्टूडेंट्स, ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को पता है कि आपको बॉर्डर बनाना होता है। बॉर्डर बनाना आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि किस तरीके से बनाया जाता है। आप लोग स्किल से ना बना के, जो मैंने आपको प्रैक्टिस पहले करवाई हुई है, फिंगर को इस तरह से लेके इस तरह से आप बनाएंगे। आज हम एक लैंडस्केप बनाएंगे। कलर्स आपके पास जो एक्रेलिक कलर्स हैं उनका यूज आप इसमें कर सकते हैं। इसको अपन वाटर कलर की तरह यूज करके और एक लैंडस्केप बनाएंगे। तो एक लैंडस्केप है, उसमें एक आपकी हट होगी जो कि बाहर नेचुरल हमको दिखता है। कुछ ट्रीज बनाएंगे, वो भी पता है आपको कि हमारे लैंडस्केप में ट्रीज होते हैं। अब उस चीज को शो करने के लिए, क्योंकि ये हमको लाइट कलर में रखना है, तो कई बार ये होता है कि कलर करते करते हमको समझ में नहीं आता और हम उसके ऊपर कलर कर जाते हैं। तो मैं भी यहाँ पर ये दो ही ट्रीज शो कर रही हूँ और बाकी हम कलर में करेंगे। इसके ऊपर आप ये वैक्स, जो आपके पेस्टल कलर या फिर क्रियॉन्स कलर या फिर कुछ नहीं है तो आप ये बर्थडे कैंडल्स जो आते हैं उनका भी यूज कर सकते हैं। तो अभी मुझको मान लीजिए ये वाला एरिया को वाइट रखना है, तो मैं इसको यहाँ पर ये लगा रही हूँ जिससे कि हमारा इस पे कलर नहीं आएगा। कुछ ट्री में भी मैं शो कर रही हूँ। अभी शीट शाइन करेगी, देखिए आपको सबको दिख रहा होगा कि हमने कहीं पर यहाँ पर ये लगाया हुआ है। एक चीज इस तरीके से मैं यहाँ पर भी शो कर रही हूँ। इसको थोड़ा सा आपको ऐसे उठा के देखना पड़ेगा ये कि कहाँ दिख रहा है और कहाँ नहीं दिख रहा है। अपन कलर स्टार्ट करेंगे। मैं पानी के लिए ड्रॉपर का यूज कर रही हूँ जिससे कि हमको पानी लेने में और कलर हमारे खराब नहीं होगी, इसलिए ये पानी का यूज कर रहे हैं। ड्रॉपर का यूज किया हुआ है। सबसे पहले हमने येलो कलर लिया हुआ है, अभी हमने इस हट को टच नहीं किया हुआ है, इसको हमको व्हाइट छोड़ना है, इसलिए हमने इसका यूज किया हुआ है। एक कलर हमारा ये, इसको हमने इसमें पानी का ज्यादा यूज किया हुआ है तो ये हमारा पतला हो गया है। हमको थिक कलर इसमें यूज नहीं करना है क्योंकि हम इसको एज ए वाटर कलर यूज कर रहे हैं, ताकि इन कलर हम ग्रीन ले रहे हैं। लैंडस्केप में ग्रीन तो होता ही है। अभी हम मीडियम में पानी यूज कर रहे हैं।
जब हमने ये ड्रीम पढ़ा और येलो को मिक्स किया तो हमारा लाइट ग्रीन बन जाएगा। अब हमारे पास तीन शेड हो जाएंगे। अभी इसमें येलो और मिक्स करना पड़ेगा जिससे कि ये और लाइट, क्योंकि हमको ये और लाइट चाहिए। मेरे से तीन शेड्स आ गए हैं। ड्रॉपर से इसमें पानी बिल्कुल ड्रॉप्स डालेंगे। अभी हमारे पास तीन शेड तैयार हैं। ये डस्ट को हम हटा लेंगे और एक बड़े ब्रश की हेल्प से या स्पंज की हेल्प से और हम इसको इसके शीट पर पानी का यूज करेंगे। अभी आपको जहाँ पर बनाना है सिर्फ वहीं पर पानी का यूज करिए, अदरवाइज अगर आपने सब जगह कर दिया तो आपकी शीट हो सकता है आपको सपोर्ट ना करे। ब्रश यूज करते हैं शीट पर तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि उसको हमको शीट पर रब नहीं करना है, इस तरीके से उठा के ब्रश का यूज करना है, अदरवाइज शीट की लेयर्स निकल जाती हैं। लैंडस्केप जब आपका कंप्लीट हो जाता है तो इसको दूर से रख के देखा जाता है, पास से ड्राइंग ये नहीं देखी जाती है, ये वाला आपको दूर से देखना होता है। सेकंड शेड हम लेते हैं। कलर्स ठीक नहीं यूज करना है, बस ब्राउन कलर लेंगे नेक्स्ट शेड बनाने के लिए। अब ये जो शेड्स रखे हुए इनको भी हम टच नहीं करेंगे और इसी में नेक्स्ट इसमें ग्रीन शेड मिलाएंगे। ब्राउन मिक्स करेंगे ग्रीन में। ग्रीन में ब्राउन मिक्स किया, आप खुद देखेंगे ये वाला शेड हमारा बन के आया है, क्योंकि हमको इसमें वाटर कलर इसे यूज करना है, हमने इसमें वाटर की क्वांटिटी बढ़ाई हुई है। ये ग्रीन का एक हमारा नया शेड बन गया है, ऑलिव ग्रीन।
वैसे तो हमने इसमें क्रेयॉन्स लगाया हुआ है, लेकिन फिर भी हम इसको ट्री को सेव करके ही चल रहे हैं। अब हम ब्राउन कलर यूज करते हैं। जो हमारी हाउस को बनाने में हमारी हेल्प करेगा। जहाँ पर हमने देखिए रैक्स लगाया हुआ था वहाँ पर वो कलर नहीं ले रहा है, जहाँ पर ये चीफा आ रहा है इसलिए यहाँ पर वो कलर नहीं ले रहा है। ब्रश का यूज आप ध्यान रखिएगा, सिर्फ ब्रश को उठाकर ही करना है, ब्रश को शीट पे इस तरीके से रब नहीं करना है। पर्पल या ब्लू में हमने इसको कलर को किया, जो हमको दूसरे हाउस में करना है। ये पर्पल कलर हमारा बना हुआ है रेड और ब्लू से। अब इसको हम दूसरे हाउस की रूफ पे करेंगे। ये देखिए यहाँ पर भी हमें जहाँ पर इसका यूज किया था वैक्स का, वहाँ पर वो कलर नहीं आया है। कोशिश हमको ये करना है कि मैक्सिमम 3 शेड हर ड्राइंग में हमारे दिखे। पर्पल में और थोड़ा सा रेड डाला क्योंकि हमको एक शेड और शो करना है। ब्राउन में थोड़ा सा ब्लैक यूज करेंगे। क्योंकि हमको इसमें एक शेड और शो करना है। अभी हमारा ऊपर का पोर्शन कुछ क्लियर हो गया है, लेकिन ये अभी भी और क्लियर होगा। इसका शेडो दिखाया हुआ है। सिर्फ हम पानी ही यूज कर रहे हैं। ये ब्लू कलर जो था उसका हम सिर्फ पानी ही यूज कर रहे हैं। वापस लाइट कलर पड़ेंगे। ग्रीन चीज है उसको हम शो करेंगे। ये कलर हम सब मिक्स करते हुए यूज कर रहे हैं। जैसे कि हमारे दूर से ग्रीनरी शो होती है, कहीं डार्क होता है कहीं लाइट होता है।
वापस ऊपर जाएंगे जहाँ पर ये वाला काम हमको स्टार्ट करना है। डार्क कलर यूज करना है इसमें हमको। डार्क कलर यूज करने के लिए कलर में ब्लैक का यूज करेंगे, ब्राउन का यूज करेंगे, जिससे कि हमारे कलर डार्क हो जाए। जब तक कि डेप्थ नहीं दिखाएंगे, तब तक लाइट एंड डार्क शेड नहीं शो होंगे और हमारी पेंटिंग कंप्लीट नहीं दिखेगी। इसमें भी हमको पानी यूज करना है ज्यादा से ज्यादा। डार्क भी शो करेंगे तो ये पानी का यूज करना है। यहाँ से हम चीजों को क्लियर करना भी स्टार्ट करेंगे। अभी हमने ट्री में वर्क नहीं किया हुआ है, ट्री में वर्क हम बाद में करेंगे। जब हम ये यूज करेंगे तो ये हमारा डार्क ट्री अपने आप शो होने लगेगा। देखिएगा यहाँ पे हमको डार्क कलर का यूज करना होगा क्योंकि हमको हाउस को ऊपर लेकर आना है, मतलब इसको शो करना है। यहाँ पे डार्क कलर का यूज होगा। पेड़ों के जो बीच में डार्कनेस होती है उसको शो करने के लिए कि आपका बीच में जो वाटर आप यूज कर रहे हैं वो गंदा हो गया है तो प्लीज उसको चेंज कर लीजिएगा। अदरवाइज कलर्स फ्रेश नहीं बनते हैं। कलर्स की फ्रेशनेस के लिए उसके वाटर को चेंज करिएगा, नहीं तो कलर आप जो चाहेंगे वो नहीं बनेगा। मैं आप लोगों को बार बार रिपीट इसलिए वर्क कर रही हूँ कि शीट पर जब आप लोग ब्रश को यूज करेंगे तो सिर्फ आपको इस तरीके से उठा के करना है, शीट पर रब नहीं करना है। अदरवाइज शीट की लेयर निकल जाएगी, शीट आपको सपोर्ट नहीं करेगी। जब हम फ्रेम की तरफ आते हैं, अगर हमारे चारों कोने में कहीं कहीं डार्क होगा तो वो पेंटिंग कंप्लीट नजर आएगी। जैसे बोलते हैं ना कि हम कोई भी चीज दूर से देखते हैं तो अगर कोने डार्क नहीं होंगे
जो हमारे कॉर्नर्स होते हैं वो अगर डार्क नहीं होंगे तो हमारे जो देखने का व्यू होगा वो क्लियर नहीं हो पाता है, क्योंकि हमको ये नहीं समझ में आता कि हमारी पेंटिंग कहाँ तक है और कहाँ खत्म हो रही है, इसलिए नीचे वाला जो पोर्शन है उसको हम डार्क कर रहे हैं। इसके बाद मैं डायरेक्ट ब्लैक कलर अप्लाई करूंगी। आप लोग जब ब्लैक कलर यूज करें तो आराम से करिएगा। हमारा ब्लैक से टचिंग बची हुई है वो हमको करना है। हम डायरेक्ट ब्लैक कलर यूज कर रहे हैं, आप लोग चाहें तो ब्राउन कलर लेके भी यूज कर सकते हैं, सिर्फ डायरेक्ट ब्लैक ना करके ब्राउन कलर भी यूज कर सकते हैं, हम डायरेक्ट ब्लैक यूज कर रहे हैं। आप लोग चाहें तो इसको मार्कर से भी यूज कर सकते हैं, स्केच पेन या मार्कर भी इसके ऊपर यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पर वैक्स लगाया हुआ था तो यहाँ कलर उतना अच्छे से नहीं आएगा। ब्लैक कलर यूज करने का मतलब सिर्फ इतना है कि उस ड्राइंग को हमको चीज़ों को क्लियर करना है, क्योंकि लाइट एंड डार्क शेड देकर ही हम चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। ब्रश को मैंने इस तरह से यहाँ से फैला के रखा हुआ है, इससे ये हमारी लाइन्स आ रही हैं। इस तरीके से फैला देंगे तो ये लाइन्स हमारी बन जाएंगी, ये देखिए इस तरीके से। मेरे ख्याल से अब ये ड्राइंग हमारी कंप्लीट हो गई है। इसमें बॉर्डर की ज़रूरत है, आप लोगों को पता है बॉर्डर हम कोई भी कलर का ले सकते हैं, बट मैं ब्लैक बॉर्डर यूज़ कर रही हूँ। आप एक स्पंज से चौड़े ब्रश से ऐसे चौड़े ब्रश को भी यूज कर सकते हो, स्पंज भी यूज कर सकते हैं। मैं आपको स्पंज से करके बताती हूँ, क्योंकि स्पंज ना होने के इसमें आप उसको कॉटन से भी कर सकते हैं। ये हमारी पेंटिंग कंप्लीट हो गई है और इसको हमको जो देखना होता है तो केवल लैंडस्केप को हम दूर से ही देखते हैं, तभी ये हमारा सही आएगा।